हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का जिटे एजुकेशन में दोस्तों आज है पांच नवंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है आज की वीडियो में बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट और रिविजन पॉइंट मिलने वाले हैं तो आपको एंड तक देखना है लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अगर पसंद आएगी तो वीडियो और चैनल पर नए आए हो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करके बेल लाइकन को प्रेस कर लो जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको एमजेटी एप पर मिलेगी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और नए नए कोर्सेज आए हैं जैसे सीजीएल का जीएस बैच है जिस पर 50 का का डिस्काउंट चल रहा है है इसके अलावा बैच लॉन्च हो चुका है। ये भी आप ले सकते हैं और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं शुरू करते हैं कल के रिविजन से कल का क्विकली रिविजन करेंगे जी ने दोस्तों अभी हाल ही में बीएमडी इंटरसेप्टर एडी वन मिसाइल का सफल परीक्षण किया और कोलिश डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है परमा क्राइसिस को इसके अलावा मनसुख मंडाविया जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इन्होंने इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया है और अभी रेनी बाबा ने डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नाम की पुस्तक लिखी है वहीं गूगल ने अल्टर का अधिग्रहण कर लिया है जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप है इसके बाद दोस्तों घाना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था घाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है नवंबर 2022 के लिए गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रधान सम्मेलन की मेजबानी की और खगोलविदों ने तीन नए क्षुद्रग्रह की खोज की है जो कि हैं 2022 ट्वेंटी टू ए पी सेवन ट्वेंटी और 2021 ट्वेंटी वन और वहीं टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर रिस्पॉन्सिबल इस्टी, सर्टिफ, स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट बन गया है और भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा संस्थापक ईला भट्ट जी का निधन हो गया है इनको दो नागरिक सम्मान मिल चुका था पद्मश्री और पद्म क्लियर ये तो कल के टॉप टेन करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने क्विकली रिविजन कर लिया है अच्छा आप कमेंट करके बताओ ये क्विकली रिविजन करने से आपको कितना फायदा होता है चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर पहला क्वेश्चन गंगा उत्सव 2022 के छठवें संस्करण का उद्घाटन किया गया किसने किया इसका उद्घाटन किया है दोस्तों तो जी किशन रेड्डी जी ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने इसका उद्घाटन किया है पर आप देख पाओगे आर्टिकल है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ऑफ गंगा उत्सव इन न्यू दिल्ली तो नई दिल्ली में छठा संस्करण गंगा उत्सव का आयोजित किया गया ठीक है कल्चर टूरिज्म और के मिनिस्टर हैं ये यूनियन मिनिस्टर है तो इन्होंने चार नवंबर को इसका उद्घाटन किया है अब गंगा उत्सव का मतलब ये है कि गंगा नदी को साथ ही साथ बाकी जो भी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हो या फिर देश भर की जो भी नदियां हैं उनके प्रति लोगों को जोड़ा जा सके मतलब लोगों को अवेयर किया जा सके कि, कि कितना ज़्यादा जरूरी है जल संसाधन हमारे यहाँ और साथ ही साथ नदियों का क्या महत्व है आपको पता है कि पीएम मोदी जी पिछली बार आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि गंगा उत्सव को आप सिर्फ गंगा नदी समझ करके ना सेलिब्रेट किया कीजिए आपके आसपास भी जो भी नदियां हैं उन सबको आप गंगा उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करें अच्छा अब ये उत्सव है तो हम लोग रिवाइज करेंगे उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन महोत्सव मनाए गए जैसे अभी छत्तीसगढ़ में दोस्तों सेलिब्रेट किया गया था जनजातीय नृत्य महोत्सव जो कि राज्य उत्सव के नाम से आयोजित किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अभी उद्धव उत्सव मनाया गया क्या उद्धव उत्सव मनाया गया ठीक है इसके अलावा वैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे उत्सव उसी दिन मैंने आपको बताए थे तानसेन लोक रंग वगैरा जम्मू कश्मीर में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव मनाया गया क्या मनाया गया चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव नेपाल में तिहार महोत्सव मनाया गया था जब मैंने आपको बताया था काग तिहार कुकुर तिहार वगैरह ठीक है ये नेपाल का प्रमुख त्यौहार था कोरिया गणराज्य में भारतीय त्यौहार मनाया गया भारतीय संस्कृति को याद करते हुए नाम क्या था सारंग महोत्सव क्या नाम था सारंग महोत्सव नाम था बहुत इंपॉर्टेंट और असम में कटी बहु महोत्सव महोत्सव मनाया गया ये सभी महोत्सव है जो कि अभी रिसेंटली मनाए गए हैं ठीक है थीके? जिनको आप रिवीजन कर लिए हैं और याद रखेंगे आगे हाल ही में किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया तो दोस्तों अभी हाल ही में ना मेघालय राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है देखो नाम से ही स्पष्ट है सिटीजन एंगेजमेंट को बढ़ाना और कम्युनिकेशन को बढ़ाना जिससे जो वहां के नागरिक है वो सरकार से जुड़ सके साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठा सके उनके बारे में वो जान सकें, ठीक तो है तो इसीलिए कामराट संगमा जो कि मेघालय के सीएम हैं, इन्होंने इसे लॉन्च किया है सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम ठीक है तो कहां पर तुरा में तुरा जो है ये पश्चिमी गारो हिल्स इलाके में पड़ता है ठीक है मेघालय में चलिए मेघालय आए हैं तो मेघालय देख लेंगे मैप में कहाँ पर है इंडिया के मैप में आप देखोगे तो ये रहा छोटा सा राज्य मेघालय ये अपना बॉर्डर असम से, से शेयर करता है असम केवल इकलौता भारतीय राज्य है जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है इसके अलावा ये बांग्लादेश से बॉर्डर अपना शेयर करता है अच्छा अभी पेट एग्जाम में पूछा गया था कि बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है तो यहाँ पर आपका आंसर पांच होगा कौन कौन से राज्य देखो वेस्ट बंगाल से यहाँ से यहाँ तक अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है इसके अलावा असम से यहाँ पर इतना बॉर्डर शेयर कर रहा है फिर मेघालय से शेयर कर रहा है फिर यहाँ पर देखो असम वही फिर से है तो असम तो एक

कर्नाट संगमा यहाँ पर करेंट टाइम पर है सीएम गवर्नर कौन है गवर्नर का पद दोस्तों ना अभी बीडी मिश्रा को मिला है बीडी मिश्रा को एक्स्ट्रा चार्ज मिला है एक्चुअली में बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं लेकिन सत्यपाल मलिक जी रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर अब इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है यानी ये यह यहाँ का भी पद देख रहे हैं उमियम झील ये यह यहाँ पर झील है नेशनल पार्क में अगर बात करें तो सीजू पक्षी अभ्यारण बलपक्रम इसके अलावा नोकरोक नेशनल पार्क यहाँ पर है ठीक है पुमलांग ने क्रेम लोक नृत्य मनाया जाता है वांगला मनाया जाता है यहाँ के अगर राज्य के पशु की बात करें तो धूमिल तेंदुआ है राज्य के पक्षी है पहाड़ी मैना और राज्य के फूल है लेडी चप्पल आर्किड ठीक है अच्छा मैं आपको बताया था कि अब से ये राज्य वाले में और चीजें ऐड कराई गई हैं तो देखिए पशु पक्षी फूल इसके अलावा यहाँ पर भी आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो दोस्तों अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड ने ना सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चला करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है ध्यान रखिएगा ये सबसे लंबी यात्री ट्रेन है पैसेंजर इसमें। तो ये चलाया गया है ये देखिए आप इमेज देख पाएंगे कितनी लंबी है आप अंदाजा लगा सकते हो ये आई है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ऐसे इस टाइप से ठीक है ना तो ये इतनी लंबी है यहाँ पर आर्टिकल पहले देख लो स्विट्जरलैंड क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन ये टर्म जरूर याद रखिएगा पैसेंजर ट्रेन ठीक है पैसेंजर ट्रेन में इसमें 1910 मीटर की कुल लंबाई थी और 100 कोच थे इसमें तो ये 29 अक्टूबर को स्विस अल्पस की पहाड़ी में ये गुजरी 45 मिनट का सफर किया इसने प्रीदा से अलवानियू तक ठीक है 25 किलोमीटर की दूरी केवल ये कब किया गया था ये एक सौ वर्षगांठ पर किया गया था स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन चलने के यानी स्विट्जरलैंड की जब पहली ट्रेन चली थी ना उसकी एक सौ वर्षगांठ थी और उसी के अवसर पर ये चलाया गया अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है तब आप बताएंगे सुपर वासुकी ये भारत की है ठीक है ये लगभग तीन किलोमीटर की ये गाड़ी ही थी ट्रेन ही थी मतलब तीन किलोमीटर तक तीन साढ़े तीन किलोमीटर की ये लंबी ये ये ट्रेन ही थी लेकिन ये मालगाड़ी थी इसमें यात्री नहीं थे तो इस वजह से ये मालगाड़ी अगर पूछा जाएगा तब बताएंगे ये क्या है पैसेंजर ट्रेन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन क्लियर बिल्कुल तो चलिए स्विट्जरलैंड की सैर करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत यहां से आपको आना है यूरोप में यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद आप पूछ वाले देश के पास पहुंचेंगे इटली इटली जहां की राजधानी रोम है इसके जस्ट ऊपर यहां पर छोटा सा देश आपको दिख जाएगा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जो कभी किसी से लड़ाई वगैरह नहीं करता है ठीक है स्विट्जरलैंड ये रहा इसकी राजधानी होती है बर्न स्विट्जरलैंड की मुद्रा होती है दोस्तों स्विस फ्रैंक अच्छा एक चीज और यहां पर ना कोई राष्ट्रपति वगैरह कोई प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते हैं ठीक है थीके? ये आपने आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन बने ठीक है और यही देश है कि ये सबसे अलग भी है फिलहाल स्विट्जरलैंड के बारे में आप जान गए ये अपना बॉर्डर किसे किसे शेयर कर रहा है जर्मनी से फ्रांस से ठीक है इधर ऑस्ट्रिया से इधर, इधर इटली से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हाल ही में महारत्न कंपनी बीपीसीएल के एमडी और चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला तो दोस्तों बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिल गया है अभी हाल ही में वेदसा रामकृष्णा जी को वेदसा रामकृष्णा ये एक्स्ट्रा चार्ज पाए हुए हैं एडिशनल चार्ज पाए हुए हैं कहेंगे हम लोग ज्यादा सही रहेगा देखो एडिशनल चार्ज क्या होता है अगर कोई जो जो शीर्ष वाला अधिकारी होता है जो मान लो एमडी और सीईओ है वो रिटायर हो गया या इस्तीफा दे दिया ठीक है तो फिर तब तक मान लीजिए उसका कोई जो उत्तराधिकारी है वो नहीं नियुक्त किया गया है तो जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है सीनियर मोस्ट जो कंपनी में अधिकारी होता है उसी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है ठीक है यानी कि तब तक आप ये संभालो और जब तक परमानेंट नई नियुक्ति नहीं होती है हो सकता है कई मामलों में अमूमन केसों में उसी को दे दिया जाता है फाइनल चार्ज यानी उसी को आगे चल करके परमानेंट बना दिया जाता है नहीं तो कोई नई नियुक्ति होती है ऐसे ही यहां पर हुआ है वेदसाराम कृष्णा जी गुप्ता जी के साथ ठीक है तो ये बन गए हैं बीपीसीएल के नए चेयरमैन और एम कार्यवाहक ठीक है तो महारत्न कंपनी है ये फॉर्चून ग्लोबल फाइव कंपनी में भी शामिल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में आपको पता है बारह महारत्न कंपनियां अब हो चुकी हैं तो उन बारह में से एक यह भी है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है यह रही बारह महारत्न कंपनियों की लिस्ट जो आपके सामने है कौन कौन सी मैं यहां पर फुल ए, लिखा हूं। फुल फॉर्म 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 शॉर्ट लिखा जाऊंगा आप लोग भी नोट डाउन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है चलो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीजीसीआई यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और अंत में आरईसी जो अभी बारहवीं महारत्न कंपनी बनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है तो आर ये नई बनी है तो ये पूछा जाएगा आपसे चलो आगे बढ़ते हैं हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास हुआ तो दोस्तों साउथ कोरिया और अमेरिका ये दोनों दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच में एक विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास हुआ अभी, आप पड़ोसी देश बोल अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा चलो तो फिलहाल इन दोनों देशों के बीच में अभी विजिलेंट स्टॉर्म एयर एक्सरसाइज हुआ है यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख पाओगे ये इकतीस अक्टूबर से चार नवंबर तक चला यानी पांच दिवसीय चला ठीक है तो अब देखो ये साउथ कोरिया में क्यों हुआ दो कारण से एक तो इधर चाइना को काउंटर करने के लिए और दूसरा नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए देख रहे हो आप आप लोग आजकल किम योंग युग भैया जो हैं वो लगातार मिसाइल वगैरह दाग रहे हैं ठीक है न्यूज वगैरह में आ रहा है कि आ, कभी ये तीस मिसाइल लॉन्च किए कभी बीस मिसाइल दागे तो ऐसे में वहां पर साउथ कोरिया को भी डर लगता ही है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों दुश्मन देश हैं आपको ना पता हो तो बता दें दोनों थर्टी डिग्री पैरल से अलग होते हैं और दोनों देश दुश्मन देश हैं आज के टाइम पर तो इधर संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये भी है दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है तो यूएसए दक्षिण कोरिया का इसीलिए दोस्त है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से दुश्मनी है फिलहाल आइए वर्ल्ड मैप के जरिए थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत यहां से ना आप इधर आओगे चाइना के पास चाइना से और पार करोगे तो इधर आपको दिखेगा दो देश छोटे छोटे देश हैं दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ठीक है यहां पर जापान के पास में ही। लेकिन आप अगर थोड़ा सा पृथ्वी और इधर की तरफ घुमाओगे ना तब यहां पर आपको दिख जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो अगर अमेरिका इधर से आए तो यूरोप एशिया वगैरह क्रॉस करके तब आएगा लेकिन अमेरिका के लिए यह पड़ जाता है आसान इधर नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक उस्थियन, उस्थियन यानी को 38 डिग्री पैरल अलग करता है चलो साउथ कोरिया है साउथ कोरिया की राजधानी होती है सियोल यहाँ की मुद्रा होती है वोन या कहें कोरियन पीपुल वोन ठीक है और यहाँ के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं कुछ ही महीनों पहले यू सुक योल कौन You, sook, आ जाते हैं अमेरिका के पास अमेरिका कहा गया अमेरिका ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तीन बड़ी कंट्रीज हैं कनाडा यूएसए और मैक्सिको यूएसए की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल होती है वाशिंगटन डीसी यहाँ की करेंसी है डॉलर यूएस डॉलर और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस अब जो अभ्यास हुए पिछले दिनों में उनको रिवाइज कर लेते हैं चलो खास करके नाटो का अभ्यास कर लेते हैं रिवाइज ठीक है और किसी दिन पूरा और एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे जिससे वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आपको कायदे का कंटेंट मिल जाए नाटो के एक्सरसाइज में अभी आपको याद होगा नाटो ने कुछ ही दिन पहले एक एक्सरसाइज किया है स्टीड फास्ट नून क्या स्टीड फास्ट नून जो कि कहां पर हुआ यह हुआ दोस्तों बेल्जियम में ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज था तो बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था इसके अलावा नाटो दोस्तों इन्होंने एक और एक्सरसाइज किया था अभी कोल्ड रिस्पांस कोल्ड रिस्पॉन्स इसने एस्टोनिया में किया था सॉरी कोल्ड रिस्पॉ रिस्पॉन्स इसने नार्वे में किया था और जो लॉग्ड शील्ड था वो एस्टोनिया में किया था लॉग्ड शील्ड जो था ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास था ठीक है तो कोल्ड रिस्पॉन्स नॉर्वे और लॉग्ड शील्ड एस्टोनिया इसके अलावा इसने दोस्तों अभी uh, नेपच्यून स्ट्राइक किया था नेपच्यून स्ट्राइक नाटो का एक्सरसाइज था भूमध्य सागर में हुआ था इसके अलावा इसने बाल्टोप्स एक्सरसाइज किया था बाल्टोप्स इसने बाल्टिक सागर में किया था इसके अलावा नाटो ने दो और देश को शामिल करने के लिए मंजूरी दी है जो कि है स्वीडन और फिनलैंड ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत करी है तो दोस्तों अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ना निवेशक दीदी नाम से एक वित्तीय साक्षरता बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम या पहल शुरू किया है फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा लेकिन खास करके स्पेशली ये महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ठीक है तो इंडिया का पहला फ्लोटिंग पहलांशियल लिटरेसी कैंप होगा जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है निवेशक दीदी तो इसका उद्देश्य होगा महिलाओं में कैसे पोस्ट पेमेंट को या फिर कहें कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है और इसकी स्थापना 2018 में करी गई थी एक गवर्नमेंटेड पेमेंट बैंक है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है सीईओ हैं जे कौन वेंटरामकट रामू ये इसके करंट टाइम पर सीईओ है अगला इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसराइल में दोस्तों पिछले दो सालों में पांच बार हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के चुनाव इंटरेस्टिंग है ना दो साल में पांच बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फिर से बेंजामिन नेत्याहू नए ने नहीं है काफी पुराने हैं बहुत लंबे समय तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल देखा है लेकिन 2021 में इनको हटा दिया गया था इन पर भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लगे थे ठीक है तो बेंजामिन नेतन्याहू अब नए ने प्राइम मिनिस्टर होंगे दोबारा से ठीक है दोबारा क्या तिबारा बनेंगे ये तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ठीक है बेंजामिन नेतन्याहू बहुत लंबे समय तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1996 से तक एक बार रहे थे फिर 2009 से लेकर 2021 तक यानी कि लगभग 12 साल तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर अभी फिर बन गए हैं ठीक है तो जून 2021 में इनको हटाया गया था अभी फिर से बन गए हैं इन्होंने लैपिड को हराया जो कि अभी टाइम पर प्रधानमंत्री चल रहे थे तो वर्ल्ड मैप में देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत यहां से आप अगर देखोगे ना तो इस साइड पड़ता है इसराइल इस साइड के इधर आप इधर मिडल ईस्ट में आ जाओगे उसके इधर आपको ये जो छोटा सा देश है ना जॉर्डन के पास ये इसराइल की कैपिटल जेलुसलम यहाँ की संसद होती है द नेसेट और यहाँ की करेंसी क्या होती है न्यू सकेल याद रखिएगा। क्लियर है तो यहाँ की संसद द नेसेट है जहां पर अभी चुनाव हुआ था और जीत लिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों इसी तरह की डिटेल करंट अफेयर को आपको ई बुक के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है और अक्टूबर महीने की ई बुक आ चुकी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ई बुक आ चुकी है आप जाकर के एप्लीकेशन से ले सकते हैं अच्छा एप्लीकेशन में एक नया फीचर आया है अगर आप कोई ई बुक खरीदते हैं ना परचेज करते हैं ना तो फिर आपको वहां पर वाउचर्स भी मिलने का ऑप्शन आया हुआ है तो कुछ ही जो लकी यूजर है उनको वाउचर मिलता है उन वाउचर में पचास रुपए बीस रुपए सौ रुपये तक के भी ऑफर मिलते हैं तो आप लोग ई बुक जो है ना व्हाट्सएप से ना मांगा करो आपसे अब आपसे अब कोशिश किया करो अप्लीकेशन से ही खरीदने का ठीक है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू यूपीआई कर देते हैं उनको आसान पड़ता है पर भेज दी जाती है लेकिन अब आप कोशिश करना अपन से परचेज करने की फिलहाल आपके लिए ब्रह्मोस ई बुक भी है इसको भी आप ले सकते हो दस महीनों का कंटेंट है एस एस का नया बैच लॉन्च हुआ है इसके बारे में भी आपको डिटेल बताई जाएगी आज जानकारी इसको आप ज्वाइन कर सकते हो नया बैच है और जरूरी बैच है इस पर आपको 50 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आधे दाम पर मात्र दो में आप जीएस बैच सीजीएल का जीएस स्पेशल बैच आप ले सकते हो अच्छा जी का फुल बैच है यानी इसमें मैथ रीजनिंग वगैरह सब आएगा और सीजीएल का जीएस और करंट अफेयर बैच है ठीक है तो इसमें जीएस और करंट अफेयर मिलेगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज हर एक डिटेल ठीक आगे बढ़ते हैं अब हाल ही में जारी 2020-2021 परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में सीर पर कौन है तो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स दोस्तों अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसमें टॉप पर है केरला शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जब भी शिक्षा की बात आए तो केरल को आप टॉप पर रखिएगा क्योंकि केरल में लिटरेसी रेट ना वैसे ही आपने 2011 हजार के ही जनगणना में देखा था केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी तो आज के टाइम पर सोचो अब जब दोबारा साल बीत चुके हैं तो फिर कितना ज्यादा हो गई होगी तो इसीलिए अगर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अगर लिटरेसी वगैरह की कोई गे, कोई, कोई रैंकिंग जारी की जाती है तो केरल तो आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं ठीक है यहां पर फिलहाल आप आर्टिकल देख पाओगे केरला महाराष्ट्र एंड पंजाब टॉप

तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने दोस्तों गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया है आर्टिकल देख लीजिए अडानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल इंडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि ऑफ यूनिटी जो है ना एक मीटर वाली उससे भी ज्यादा ये लंबा है क्यों लंबा है क्योंकि ये दोस्तों है दो मीटर का और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है एक मीटर का यानी 18 मीटर उससे भी ज्यादा है ऊंचा ठीक है तो सोच सकते हो कितना बड़ा है ये गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया गया है ठीक है और 200 मीटर लंबा है यह पहला मशीन है जिसे जर्मनी की विंड टू एनर्जी विंड टू एनर्जी डब्ल्यू टू ई की तकनीकी से बनाया गया है क्लियर तो भारत का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर होगा अडानी इंडस्ट्रीज के मालिक गौतम अडानी है वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं आगे हाल ही में दुनिया के नंबर वन टी इंटरनेशनल बल्लेबाज कौन बने तो वो बन गए हैं दोस्तों सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव इस समय आईसीसी के लेटेस्ट जो टी इंटरनेशनल की बैट्समैन की रैंकिंग जारी की गई है उसमें है टॉप पर यहां पर आप देख पाएंगे ये है सूर्य कुमार यादव स्काई ठीक है इनकी आठ रेटिंग हो चुकी है और इन्होंने मोहम्मद रिजवान को कर दिया है पीछे जो कि पाकिस्तान के हैं न्यूजीलैंड के डेम कॉनवे तीसरे पर हैं बाबर आजम चौथे पर हैं ऐसे वगैरह हैं विराट कोहली भी देखिए यहाँ पर दसवें में शामिल है यानी कि दो भारतीय हैं इस टॉप टेन लिस्ट में क्लियर सूर्य कुमार यादव दोस्तों अभी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल खेले बहुत दिन नहीं हुआ है अभी पिछली साल इन्होंने डेब्यू किया था टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में आईसीसी के इन्होंने पिछली साल चौदह मार्च को ही अभी डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ और देखिए लगभग दो सालों में ये टॉप पर आ चुके हैं क्लियर सूर्य कुमार यादव वैसे ये टॉप टेन करंट अफेयर थी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आप शेयर करते हो ना तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपका पांच शेयर हमारा पांच गुना मोटिवेशन बढ़ा सकता है तो कोशिश कीजिएगा शेयर जरूर करने की ठीक है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे लगी वीडियो आपको लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे मैंने आपसे कल पूछा था मोहनी अट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है केरल का है और राष्ट्रपति के सचिव कौन है राजेश वर्मा जी हैं आज आपको क्या बताना है आज आपको बताना है नासा का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में जिसका उद्देश्य एस्टोराइड को टक्कर मारकर उसकी दिशा बदलना था बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो फेसबुक ने व्हाट्सएप को कितने दाम में खरीदा था यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना ये कोई न कोई कंपनी के खरीदे गए मुद्राएं हैं यानी कि कितने दाम में कौन कौन कंपनी खरीदी गई है आप इसको देख करके बता सकते हो तो जितने भी यहाँ पर दाम लिखे गए हैं उस उस दाम में कोई न कोई कंपनी खरीदी गई है कमेंट बॉक्स में मुझे जरा बताओ कौन कौन सा है ठीक है व्हाट्सएप वाला भी बता देना फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप टेन क्वेश्चन इसकी पीडीएफ क्विज आपको एमजेटी पर मिलेगी टेलीग्राम पर वन लाइनर मिलेगा बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम